ये है इसका क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए इसमें आपके पास है 1/(x²-9)/(1+3-3)/(x-2)। अब इसमें सबसे पहले आप देखिए डिवाइड है, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई में चेंज कर दूं तो क्या हो जाएगा, और यहां पर मैं फॉर्मूला बना देता हूं a²-b² का, तो ये आपका बन जाएगा x का स्क्वायर और माइनस 9 जो है वो किसका स्क्वायर होता है 3 का। इसको मैंने फॉर्मूला बना दिया और यहां पर मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। देखें याद रखें जब भी आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो डिनोमिनेटर न्यूमिरेटर बन जाता है और न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर, यानी x प्लस 3 आपका न्यूमिरेटर बन जाएगा, ऊपर चला जाएगा और 1 जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 1 नीचे नहीं लिखा थे तो नहीं लिखते तो मैंने नहीं लिखा x माइनस 2 माइनस 3/(x-2) आ गया। अब यहां पर ये फॉर्मूला बन रहा है a²-b² किसके बराबर होता है a+b और a-b। हम यहां समझ रहे हैं a जो हमारा है वो x है और जो 3 है वो हमारा क्या है b है। ठीक है, तो ये आ गया और मल्टीप्लाई बाय x+3 जो ये है वो आ गया, इसको चलो मैं ब्रैकेट में कर देता हूं, और -3/(x-2) वो आ गया। तो ये x+3 और ये x+3 कट गया, सही है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे थे, और ऊपर हमारा बच गया 1 और बच गया x-3 और यहाँ बच गया -3/(x-2)। तो याद रखे प्लस या माइनस आ जाए तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाता है, तो अब ये दोनों डिफरेंट है तो x-3 और x-2 आपका एलसीएम आ गया। तो जब डिफरेंट हो तो फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी x-2 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x-2 आएगा और 3 को आप x-3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी मैंने ब्रैकेट में इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी x-2 -3 + 3 (3x) - -+3 (9)/(x-3) / (x-2). अब देखें x में से आपने 3x निकाला तो क्या बचेगा -2x और -2 + 9 यानी +7 अपॉन x-3 और x-2। तो मैं ये देख लेता हूं यही आपका आंसर है। तो फ्रेंड आपकी बुक में आंसर में थोड़ी सी मिस्टेक है, वहां उन्होंने -2x और -7 लिख दिया है। ठीक है, तो मैं इसको जरा चेक कर लेता हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो यही आंसर बनता है। हाँ तो फ्रेंड्स यही आंसर आपका बिल्कुल ठीक है, ये करेक्ट आंसर है, बुक में थोड़ी मिस्टेक है तो ये आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद करते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 9। तो ये है इसका क्वेश्चन नंबर 9। अब आपके पास गिवन है 1/(x²+8x+15) इसी तरह 1/(x²+7x+12) और -1/(x²+x)-12। तो आपने देखा होगा कि डिनोमिनेटर्स में ना ये आपके जो मिडल और ब्रेकिंग टर्म वाले क्वेश्चन टाइप है। ठीक है, तो हम एक हर एक की अलग अलग मिडल टर्म जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस पे आते हैं, तो 15 × 15। अब मुझे कोई ऐसा टेबल पढ़ लेंगे जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर 15 है, और प्लस या माइनस करो तो जो मेरा मिडिल टर्म है 8 वो आनी चाहिए। तो इसी में से करूं तो नहीं हो रहा, क्योंकि 15 में प्लस 1 करूं तो 16 है और माइनस 1 करूं तो 14 है। अगर मैं पढ़ू 3 × 5 तो 3 × 5 = 15 भी बन रहा है, और 3 में + 5 कर दूं तो 8 भी बन रहा है। तो इसका मतलब है कि ये ब्रेक हो जाएगा x²+3x+5x+15। अच्छा, अभी पहले मैं इसी टर्म को नीचे तक सोल्व कर रहा हूं और आगे आपको ये करवाता हूं। अब इन दो टर्म से मेरा कॉमन क्या आएगा, इसमें भी x² है और इसमें x 3x है, तो आपको मालूम है कि इसमें हमारा कॉमन x आ रहा है, तो पहले टर्म में x बच गया, दूसरी में
3 बचा, इन दोनों टर्म्स में मेरा कॉमन 5 आ रहा है, तो पहले टर्म में मेरा x बच गया, दूसरी में 5 के टेबल 15 का बात है, 5 3 का 15, याद रखिएगा ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम आएंगे, सही है। अगर ये सेम नहीं आए तो आपका आंसर रॉन्ग है, सही है। तो अब आपने क्या किया कि जो सेम आए थे उनको एक दफा लिख दिया और जो कॉमन निकाले थे उनको एक साथ मिला के लिख दिया। तो यहां तक मैंने इसको सोल्व कर लिया, अब मैं इसको आगे सोल्व कर रहा हूं। अच्छा, ये मैंने क्यों इस वजह से किया था कि ये इजीली सोल्व हो जाए, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, देखें 12 × 12। तो मुझे अब कोई ऐसा टेबल पढ़ना है कि जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 12 है और प्लस या माइनस करूं तो प्लस 7 बने। तो अगर मैं कर दूं 3 × 4 = 12 भी बन रहा है और 3 में प्लस 4 करूं तो 7 भी बन रहा है। तो इसका मतलब है कि इसके फैक्टर बन जाएंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12, सही है। इसी तरह इन दोनों में मेरा कॉमन देखा, इन दोनों में कॉमन मेरा x आ रहा है, तो पहले टर्म में x बच गया, दूसरी में 3 बच गया। इसी तरीके से इन दोनों टर्म में मेरा कॉमन देखा तो 4 आ रहा है, क्योंकि 4 के टेबल में 12 भी आता है, तो पहले टर्म में x बच गया, दूसरी में 3 बच जाएगा, कैसे 4 × 3 = 12। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, इसका मतलब सवाल ठीक है। तो जो दोनों सेम आया उनको एक दफा लिखना होता है और जो कॉमन निकाले होते हैं उनको एक साथ मिला के लिखना होता है, ठीक है, यानी x प्लस 4। अच्छा, अब हम इस वाली मिडिल टर्म को सॉल्व करते हैं। तो मैं ये यहां से रफ कर रहा हूं, तो ये माइनस 1 अपॉन देखिए 12 × 12। तो मुझे कोई ऐसा टेबल पढ़ना है कि जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर 12 है और प्लस या माइनस करूं तो 1 बचे। तो 4 × 3 = 12 भी बन रहा है और 4 में से 3 माइनस कर दूं 1 भी बच रहा है। तो इसका मतलब है कि ये ब्रेक हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x और माइनस 12 में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ब्रेक हो जाएगा, अब हमने अगेन कॉमन लेना है। कॉमन क्या लेना है कि इन दो टर्म्स में मेरा कॉमन आ गया, x आ गया, तो पहले टर्म में x बच गया और दूसरी में 4 बच गया। इसी तरीके से इन दो टर्म्स में मेरा कॉमन 3 आ रहेगा, तो पहले टर्म में x बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस और ये 4 आ गया। तो अब क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो मतलब ये एक लिखे जाएंगे और जो कॉमन निकाले उनको आपने एक साथ लिख दिया। तो फ्रेंड्स अब हम यहां तक पहुंच गए हैं, अब हमने क्या करना है, इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम कैसे पता चलता है, क्योंकि जब आपके आपके पास प्लस या माइनस नोमिनेटर डिनोमिनेटर के दरमियान हो ना, जैसे ये प्लस ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है और ये तीसरी टर्म है, इनके दरमियान प्लस या माइनस हो तो फिर एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम किसका होता है, डिनोमिनेटर्स का। तो डिनोमिनेटर्स में आपके पास जो देखिए यहां पर x प्लस 5 है तो x प्लस 5 आ गई, अच्छा x प्लस 3 है x प्लस 3 आ गई, अच्छा x प्लस 4 है x प्लस 4 आ गया और x प्लस 5 भी आ गई, बाकी रिमेनिंग क्या बच गई है x माइनस 3 वो भी आ गई। अच्छा देखें जो कॉमन थी ना, दो दो दफा थी, यानी x प्लस 4 इसमें भी था x प्लस 4 इसमें भी था, तो एक ही दफा लिखा जाएगा, यानी कॉमन जो वो सारे टर्म में आपका आ रहा तो वो एक ही दफा आपने लिखना है, ठीक है। तो x प्लस 5 x प्लस 3 x प्लस 4 और x माइनस 3 ये चार ही आपके जो थे वो इसके एलसीएम आ गए। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। तो अब देखें अब x प्लस 5 x प्लस 3 तो ये x प्लस 5 और x प्लस 3 से कट गया, देखिए x प्लस 5 और x प्लस 3 कट गया, तो क्या बच जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 4 जो किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1 से। तो यानी मैं यहां कर देता हूं 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपने, x प्लस 4 से और x माइनस 3 से। तो यानी 1 को जब इनसे किया तो यही बन जाएंगे x प्लस 4 और x माइनस 3 प्लस। अब यहां पर x प्लस 4 है और x प्लस 3 है, यानी x प्लस 4 और x प्लस 3 कट गया, क्या बच जाएगा x प्लस 5 और x माइनस 3 जो इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे x प्लस 5 और x माइनस 3। तो ये एज इट इज यही आ जाएंगे x प्लस 5 और x माइनस 3, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो वही बनेंगे। और यहां पर x माइनस 3 और x प्लस 4 यानी x माइनस 3 और x प्लस 4 कट गया, तो क्या बच गया x प्लस 3 और x प्लस 5 जो इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे।
एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस फाइव। तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो x प्लस थ्री और x प्लस फाइव आ गए, सही है। अब आपने मल्टीप्लाई करना शुरू करना, यानी x को पहले x से x, इसको मैं एक दफा यू, x को आपने x माइनस थ्री से किया, प्लस फोर को आपने x माइनस थ्री से किया। इस तरह यहां पर x को आपने x माइनस थ्री से किया और प्लस फाइव को आपने x माइनस थ्री से किया। ये माइनस आ गया, ये ब्रैकेट लगा देता हूं। x को आपने x प्लस फाइव से किया और प्लस थ्री को आपने x प्लस फाइव से किया, अपॉन में आपके पास आ गया x प्लस थ्री, x प्लस फोर, x प्लस फाइव और x माइनस थ्री। तो अब हम सॉल्व करते हैं। यानी x को आपने x से किया तो x स्क्वायर बन गया, प्लस माइनस माइनस 3x का 3x, प्लस 4x का 4x, प्लस माइनस माइनस 4 3 का 12। x को x से किया तो x स्क्वायर बन गया, प्लस माइनस माइनस 3x का 3x, प्लस 5x का 5x और 5 3 का 15, प्लस माइनस माइनस आ गया। यहां पर सॉल्व करते हैं, यानी x को x से किया तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x और 3 5 का 15 अपॉन आपका आ गया x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5 और x माइनस 3। इसके बाद जो है मैं ये ऊपर से रिमूव करके आपको सॉल्व करवाता हूँ। अब इसके आगे मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, देखें एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया, टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, माइनस थ्री एक्स और प्लस फोर एक्स कितना बच जाएगा, प्लस एक्स, प्लस एक्स और माइनस थ्री एक्स, ये बन जाएगा आपका माइनस टू एक्स, और माइनस टू एक्स और प्लस फाइव एक्स, तो ये बन जाएगा प्लस थ्री एक्स, तो प्लस थ्री एक्स आ गया। अच्छा, माइनस ट्वेल्व और माइनस फिफ्टीन, ये कितना बन जाएगा आपका माइनस ट्वेंटी सेवन। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, यानी माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा ये प्लस फाइव और प्लस थ्री कितना हो गया था, प्लस फाइव एक्स और प्लस थ्री एक्स, प्लस एट एक्स हो गया था, तो माइनस प्लस माइनस माइनस एट एक्स हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस माइनस फिफ्टीन अपॉन ये आपका एक्स प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। अच्छा, ये जो है ना आपका एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस थ्री, अगर मैं इनको फॉर्मूला बनाऊं तो ये आपका बन जाएगा, अच्छा मैं आपको a माइनस बी और a प्लस बी है तो इसका फॉर्मूला बना देते हैं, यानी a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूले में इसको बना रहे हैं, ऊपर हमारे पास क्या बन जाएगा, टू एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर माइनस किया तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा, प्लस थ्री एक्स और माइनस एट एक्स तो माइनस फाइव एक्स बचा, और माइनस ट्वेंटी सेवन और माइनस फिफ्टीन तो माइनस फोर्टी टू बचा, और अपॉन में एक्स प्लस फोर x माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव, और यहाँ पर x का स्क्वायर किया x स्क्वायर और 3 का स्क्वायर किया 9 आ गया। तो मैं ये आंसर चेक कर लेता हूँ फ्रेंड्स आपका, तो आंसर बिल्कुल ठीक आया है, और आपकी बुक में बस ये फर्क है कि उन्होंने क्या किया है कि ये एक्स स्क्वायर माइनस नाइन पहले लिख दिया, तो मैं भी पहले लिख देता हूं, वरना अगर आप यू भी लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही आपका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, आपको कोई भी क्यूरी होगा मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। यह है इसका क्वेश्चन नंबर 10। आज हम इसमें जो है आपके पास ये जो क्वेश्चन है, टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर, ये ब्रैकेट आपका क्लोज हो गया, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट डिवाइडेड बाई टू एक्स प्लस एट एक्स स्क्वायर प्लस फोर।
अब हम देखते हैं कि इसमें हम इसे मिडल और ब्रेकिंग टर्म के तहत जो फैक्टर्स बन सकते हैं उन्हें सबसे पहले फैक्टर्स बनाएंगे इस क्वेश्चन में। तो देखें, ये 2 मैंने ऐसे लिख दिया, अब ये फैक्टर बन रहा है, देखें 12 × 12। मुझे कोई ऐसा टेबल पढ़ना है कि जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर 12 आए और प्लस या माइनस करूं तो क्या आए 7। अब देखिए अगर मैं करूं 4 × 3 = 12 भी बन रहा है और 4 + 3 किया तो मेरा ये 7 भी बन जाएगा। इसका मतलब है कि ये ब्रेक हो जाएगा किसमें, x² + 4x + 3x + 12। सही है, अपॉन, अब देखिए x² - 16। यहां पर मैं a² b² का फॉर्मूला बना सकता हूं। कैसे, x का स्क्वायर मैंने बना लिया और 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, 4 × 4 = 16 उसका स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई। अब यहां पे हम इसका मिडल और ब्रेकिंग टर्म कर देंगे, 2 × 2 बन गया मेरा। अब मैं 2 में से ही 1 को माइनस कर दूं तो मेरा क्या बन जाएगा, 1। यानी ये जो मिडल टर्म जो हमने ब्रेक कर ली है वो किस तरीके से होगी, 2 − 1 की फॉर्म में। तो x² + 2x − x − 2, और इसी तरीके से इसकी मिडल और ब्रेकिंग टर्म बनाते हैं, यानी 4 × 4 और मुझे कोई ऐसा टेबल पढ़ना है कि जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 4 है और प्लस या माइनस करूं तो जो मिडल टर्म में मेरी 4 है वो 4 आ जाए। तो देखें 4 × 4 तो 4 हो रहा है, लेकिन 4 में से 1 माइनस कर दूं तो 3 बच रहा है और प्लस 1 कर दूं तो 5 बन रहा है। इसका मतलब यह है कि मुझे कोई और टेबल पढ़ना पड़ेगा, यानी 2 × 2 किया, 2 × 2 = 4 और 2 + 2 भी किया तो तब भी वो क्या बन जाएगा, 4। सही है, इसका मतलब ये हमारा जो 4x था किन दो हिस्सों में ब्रेक हो गया, +2x में और +2x में +4। ये ब्रैकेट यहाँ मैंने क्लोज कर दिया। सही है, अब जो है मैं ये रफर यहां से मिटा रहा हूं, यहां पर इसको देखते हैं। अब यहां पर x² - 2x और ये प्लस का साइन था, सॉरी, x² - 2x - 8, इसकी मिडिल टर्म करते हैं, यानी 8 × 8 और हमें क्या बनाना है, -2। तो 4 × 2 किया मैंने तो 4 × 2 क्या बन गया, 8 और -4 + 2 किया तो क्या बन जाएगा, -2। यानी ये मेरा दो हिस्सों में ब्रेक हो जाएगा, x² - 4x + 2x और -8 डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पर मैं अगर 2 कॉमन निकाल लूँ इन तीनों टर्म्स में, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 के टेबल में 8 भी आता है और 2 के टेबल में 4 भी आता है, तो मैंने 2 कॉमन निकाल दिया, तो क्या बच जाएगा, x + x² + 2x, देखिए 2 के टेबल में 4 आता है, 4x² + 2 के टेबल में 4 का बात है, 2 × 2 = 4, तो ये आ गया। सही है, तो फ्रेंड ये एक स्टेप हमने भी सॉल्व किया है। अब इसके बाद हम लोग इनमें कॉमन निकालेंगे, तो अब हम इनमें कॉमन निकालते हैं, कॉमन इन दो टर्म्स में निकालना है और इन दो टर्म्स में निकालना है। इन दोनों में मेरा कॉमन क्या आएगा, एक्स आएगा, वो कैसे मुझे पता चला, देखिए ये है x² + 4x, यानी इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है, फर्क कहां पर है कि यहां पर एक्स की पावर 2 है और यहां पर 1 है। तो याद रखिए कॉमन वही निकलता है जिसमें या तो दोनों टर्म्स बराबर हो या फिर उससे कम हो, तो जो कम वाला था एक्स हमारा कॉमन आएगा और क्या बच जाएगा, पहले टर्म में मेरा एक्स बच गया, दूसरी में मेरा 4 बच गया। अब इसी तरह इन दोनों में मेरा कॉमन देगा, देखिए इसमें एक में तो एक्स है दूसरे में एक्स नहीं है, तो एक्स तो कॉमन नहीं आ सकता, लेकिन इसमें 3 है उसमें 12 है, तो 3 के टेबल में 12 आता है तो मैं 3 कॉमन निकालूंगा। तो पहले टर्म में मेरा x बच गया और दूसरी में 3 के टेबल में 12 कब आता है, 3 × 4 = 12 आ गया। अब यहां पर एक फॉर्मूला ओपन हो रहा है, a² - b² किसके बराबर होता है, a + b, a हम मान रहे हैं यहां पर x है और b हमारा 4 है, तो a + b मतलब x + 4 हो जाएगा और a - b मतलब x - 4। और यहां पर अब इन दोनों में कॉमन निकालते हैं,
तो इन दोनों में भी अगेन x कॉमन आएगा और क्या बच जाएगा, पहले टर्म में मेरा x बच गया, दूसरी में 2। अच्छा जब आपका कोई कॉमन ना आए तो फिर आपका कॉमन 1 होता है, तो मैंने 1 कॉमन निकाल लिया, तो पहले टर्म में x आ गया माइनस माइनस प्लस। याद रखिएगा जब ये आपके दोनों ब्रैकेट जैसे सेम आए, ये भी दोनों सेम आए, अगर ये सेम नहीं आ रहे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है। इन दोनों में मेरा कॉमन देखा तो x आ जाएगा और पहले टर्म में क्या बच गया x, दूसरी में 2। इसी तरह इन दोनों में मेरा कॉमन देखा तो 2 आएगा, क्यों? क्योंकि x तो आ नहीं सकता क्योंकि x यहाँ है, x यहाँ नहीं है। 2 क्यों आएगा? क्योंकि 2 के टेबल में 4 भी आता है, तो 2 कॉमन आएगा तो क्या बच जाएगा, x प्लस 2। आपने देखा कि ये भी ब्रैकेट बराबर आ गया और ये भी बिल्कुल सेम आया। अब यहाँ पर मिडल ऑफ ब्रेकिंग टर्म, यहाँ पर कॉमन निकालते हैं इन दोनों में, तो इन दोनों में कॉमन मेरा x आ रहा है, तो क्या बच जाएगा, x माइनस 4, और इसमें भी 2 कॉमन निकालेंगे तो पहली टर्म में x बच गया, दूसरी में 2 के टेबल में 8 का बात है 4 से वो आ गया। और अच्छा मैं इसको डिवाइड, ये इसको यूं लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, ये मल्टीप्लाई का साइन है और ये x लिख दिया मैंने। अब 2 आ गया, इसकी मिडल ऑफ ब्रेकिंग टर्म करें, अच्छा पहले मैं इसको अरेंज कर देता हूँ, यानी 4x² प्लस x और प्लस 2, मैंने अब इसको अरेंज करके लिख दिया इस स्टेप में। अब क्या करेंगे आप लोग कि जो आपका एक कॉमन आएगा ना, जो दोनों सेम आए थे ब्रैकेट, उनको आपने एक दफा लिखना है, और जो आपने कॉमन निकाले थे उनको एक साथ लिखना होता है, यानी x प्लस 3 और x प्लस 4 दो थे, ये एक दफा आ गए, नीचे आपका x प्लस 4 और x माइनस 4 प्लस। यहाँ भी यही है कि जो कॉमन निकाले थे, यानी x माइनस 1 कॉमन था और x प्लस 2 एक दफा आ गया, और यहाँ पर भी x प्लस 2 है और x प्लस 2 आपका एक तो ब्रैकेट में है, ये दोनों सेम थे वो लिख दिया, और जो कॉमन था वो भी x प्लस 2 है तो वो भी लिख दिया मैंने। यहाँ पर क्या हो रहा है आपका कि x प्लस 2 और x माइनस 4 और डिवाइड। अब हम इसकी मिडल ऑफ ब्रेकिंग टर्म करते हैं, सही है, कैसे करेंगे, 2 4 8 बन गया। अब मुझे कोई ऐसा टेबल पढ़ना कि जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर 8 है, प्लस या माइनस करूं तो 1 बचे। देखें अगर मैं करूं 2 4 8 बन गया, और 4 2 करूं तब भी 8 बन रहा है, 2 में से 4 निकालो तब माइनस 2 बन रहा है, 8 बंदा करूं तो तब भी 8 बन रहा है, तो यानी इसकी मिडल ऑफ ब्रेकिंग टर्म नहीं होगी, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं। अच्छा अब क्या हुआ, जो कट रहा है उसे काट दिया, x प्लस 4 से कट गया, x प्लस 2 से कट गया, तो आपका क्या बच गया, 2 अपॉन x प्लस 3 और नीचे बच गया x माइनस 1 और नीचे बच गया x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 x माइनस 4 और डिवाइड बाय 2 4x² प्लस x प्लस 2, सही है। अब बीच में चूंकि प्लस आ रहा है तो एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का, तो एलसीएम आपका आ गया x माइनस 4 और x प्लस 2, ठीक है, और यहाँ ये 2 आ गया। अब जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो ना और आप एलसीएम ले रहे हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, यानी x प्लस 2 को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया आपने और x माइनस 1 को x माइनस 4 से, ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 और x माइनस 4 और डिवाइड बाय 2 4x² प्लस x प्लस 2। अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद जो स्टेप है मैं यहां ऊपर सॉल्व कर रहा हूं, तो अब ये x प्लस 2 x प्लस 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी x जो है पहले x प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये जो प्लस 2 है इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, सही है। इसके बाद x जो है ये x माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा और माइनस 1 जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x माइनस 4 से, ये मैंने लिख लिया, डिवाइड बाय x माइनस 4 और x प्लस 2,
सही है, मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस टू और एक्स माइनस फोर डिवाइड बाय टू फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस टू। अब देखें मल्टीप्लाई करते हैं इसको, एक्स को एक्स से किया तो एक्स स्क्वायर बन गया, एक्स को थ्री से किया तो थ्री एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू थ्री दस सिक्स प्लस एक्स को एक्स से किया तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस फोर एक्स या फोर एक्स माइनस वन को एक्स को किया तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस फोर बनता फोर और अपॉन आपका एक्स माइनस फोर और एक्स प्लस टू और यहां पर आ गया आपका एक्स प्लस टू और एक्स माइनस फोर डिवाइड बाय टू फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस टू, ये हमने कर लिया। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर थ्री एक्स और टू एक्स फाइव एक्स और फाइव एक्स में से आपने फोर एक्स को माइनस किया तो फाइव में से फोर देखे थ्री प्लस टू फाइव एक्स हो गया और ये माइनस फोर और माइनस वन भी माइनस फाइव होगा तो ये थ्री एक्स प्लस टू एक्स फाइव एक्स और माइनस फोर एक्स और माइनस एक्स तो ये सारे कट जाएंगे। ठीक है आपका, और आपका सिक्स प्लस फोर कितना बन जाएगा टेन अपॉन एक्स माइनस फोर और एक्स प्लस टू और ये टू आ गया और एक्स प्लस टू एक्स माइनस फोर और टू फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। अब ये टू जो है ये टू से कैंसिल हो जाएगा, ये मैंने पहले कैंसिल क्यों नहीं किया था क्योंकि अब ये इस फॉर्म में आके ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, और ये एक्स माइनस फोर से कैंसिल एक्स प्लस टू से कैंसिल आपका बच गया है टू एक्स स्क्वायर प्लस टेन और डिवाइड बाय फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। अगर मैं अब इसमें कॉमन देखूं तो इसमें मेरा इन दोनों में टर्म्स में मेरा कॉमन क्या आ रहा है, टू आ रहा है तो पहले टर्म में मेरा एक्स स्क्वायर बच गया, दूसरी में टू के टेबल में टेन का बात है टू फाइव जा टेन वो आ गया। ठीक है, अपॉन फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस टू, तो मैं आपकी बुक में आंसर चेक कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया है, यह आपका करेक्ट आंसर है। तो आज की वीडियो में फ्रेंड हमने एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक थे वो सॉल्व कर लिए। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अगर इसमें आपको कोई भी क्यूरी हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।